घोषणा। गोमाता को दिले राज्य माता मान्यता, राज्य कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति। गोखाद्य उपरे दैनिक मिल 50 टंका रिहाती। किछिदिन पूर्वर बाछुरी सहित वीडियो पोस्ट करथिले प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र सरकारक निष्पत्ति को स्वागत कले साधु संत। गोमाता को राज्य माता मान्यता दे केवल गोपालों पर नुहे बर भारत संस्कृति को पुनःस्थापित साधु संत। मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे अध्यक्षतार बसिता कैबिनेट बैठक में गाय को राजमाता व गोमातार मान्यता दि जा घोषणा कर। वैदिक कालर भारतीय संस्कृति में देशी गायर गुरुत्व रही। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार मानव शरीर पर देशी गायर क्षीर बेस उपकारी होता बेले पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली एवं कृषि क्षेत्र को उर्वर रखा गायर आवश्यकता रही निष्पत्ति महाराष्ट्र सरकार घोषणा कर। बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, मराठा परिवार को। निश्चित ही आज संपूर्ण भारत को महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर चलना होगा और तय करना होगा राज्य सरकारों को कि कैसे गौ माता के सुरक्षा एवं संवर्धन में गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देकर गौ माता को पूरे देश में सुरक्षित एवं संरक्षित करना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में गौ माता को राजमाता की उपाधि देनी चाहिए, पर पहली पहल महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इसलिए साधु समाज की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और भारत सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि पूरे भारत में गौ माता को राजमाता की उपाधि से विभूषित किया जाए। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। गौ माता में बहुत बड़ी शक्ति है। गौ माता साक्षात सभी देवताओं का जो है प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मुझे लगता है भारत सरकार को चाहिए कि पूरे राष्ट्रव्यापी पूरे भारत में गौ माता को इस प्रकार से मात का दर्जा मिलना चाहिए। हम संतों की अखिल भारतीय संस्कृति की यही मांग। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन पूर्व सिंधे सरकार निष्पत्ति राज्य गोपालों मुहरे हस फुटाई। राज्य में गाय लालन पालन गोशाला निर्माण करने को कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति। देशी गायों पर दैनिक 50 टंकार सब्सिडी व्यवस्था लागू कर सरकार। कम आय कारण गाय को उपयुक्त खाद्य दे पार गोपाल सहायतापत्ति योजना महाराष्ट्र गो सेवा कमिशन द्वारा कार्यकारी हो। प्रति जिले में एक जिला गौशाला जांच कमिटी गठन हो जहां व्यवस्था तदारख करिबो। वैदिक काल से जिस महाराष्ट्र में गौ पालन गौ संरक्षण की परंपरा है वहां गाय को राजमाता का दर्जा देकर आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का विस्तार किया है, महाराष्ट्र धर्म को निभाया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कि ये राज्य का दायित्व है, ये राज्य का कर्तव्य है कि देसी नस्ल की गायों को बछड़ों को उनको उनके बद को रोकेगी और उनकी ब्रीड को प्रमोट करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से स्वाधीनता के 75 वर्ष बीतने पर भी ये देश में लागू नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार ने ये लागू किया है, निस्संदेह जो है ये स्वागत कदम है। भारतीय संस्कृति रे गो सेवा को दिया जाए प्राधान्य कारण माँ परी गोमाता मध्य मानव जीवन धारण पाई जोगई दे थाए अमृत। किछि दिन पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी एक बाछुरी सहित वीडियो पोस्ट करथिले। वीडियो क्लिप सहित प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट रे लिखिथिले गाय सर्व सुख प्रदाह। एबे महाराष्ट्र सरकारक घोषणा को मध्य देशव्यापी लोके प्रशंसा करिछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।